हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपका बहुत बहुत कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपकी पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 13, जिसका शीर्षक है पेंसिल की आत्मकथा। बच्चों, पेंसिल वही वाली पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, तो आज हम उसकी आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानने जा रहे हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। लिखने के हूँ काम में आती, हर बच्चे के बस्ते में पाई जाती, लिखकर पढ़ना तुम्हें सिखाती, जब छीलो तो नई हो जाती। ओ जरा धीरे ना, तुम हमेशा मुझे तेज तेज घुमाते हो, फिर छोटी होते ही फेंक देते हो। यह कौन बोल रहा है? मैं हूँ तुम्हारी कौन? तुम्हारी पेंसिल। अरे ये क्या, तुम बोलती भी हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। आओ ये लेख पढ़ कर जानते हैं कि कौन हमसे क्या कहना चाहती है। पेंसिल हमसे और क्या क्या कहना जानती है, क्योंकि हम आज जो करने जा रहे हैं बच्चों, आज का पाठ है पेंसिल की आत्मकथा। पाठ प्रवेश। पेंसिल शब्दों को, चित्रों और संकेतों को लिखकर या बनाकर व्यक्ति की सोच को दुनिया के सामने प्रकट करती है। इसका उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सहायक है। यह छोटी सी वस्तु अपनी प्रतिभा और सहायता से व्यक्ति को शक्ति देती है, जिससे वह अपने विचारों को प्रगतिशील तरीके से व्यक्त करता है। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये पेंसिल अपने मन की बात हमें बताना चाह रही है, आपको बताना चाहती है। मेरा जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले मैं कैसी थी और आज कितने रुपयों में बनने लगी हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। जब आप अपनी कॉपी में मुझसे सुलेख लिखते हो, सुंदर चित्र बनाते हो, रंग भरते हो, तो ज़रूर सोचते होगे, क्या सोचते होगे, कि मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे बनती हूँ, कैसे चलती हूँ। आओ मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताती हूँ। आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हो, जन्म के समय में ऐसी नहीं थी। बहुत साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। वहाँ गरणियों ने देखा कि इनके टुकड़ों से कागज़ और पत्थरों पर लिखा जा सकता है। उन्होंने अपनी भेड़ों पर निशान साधने के लिए ग्रेफाइट के टुकड़ों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। किस कैसे प्रारंभ क्यों प्रारंभ किया? अपने भेड़ों भेड़ उस पर भेड़ों के ऊपर निशान लगाने लगे। किससे? ग्रेफाइट के टुकड़ों से, जो ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी उनसे। इन पत्थरों को पेंसिल के रूप में संवारने वाले थे फ्रांस के, कौन थे? फ्रांस के निकोलस जेट पांटे, और ऑस्ट्रेलिया के, कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्ट्सबुथ। निकोलस जेट पांटे, फ्रांस के निकोलस जेट पांटे और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्ट्सबुथ। अब तो मेरे रूप स्वरूप को आए दिन निखारने का प्रयास भी किया जाता है। बाजार में बहुत सी रंग बिरंगे पेंसिलें भी आने लगी हैं। देखो मैं कितने काम की चीज़ हूँ। लिखने पर अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे फिर मिटा भी दिया जाता है। जानते हो, मुझे चित्रकार की उंगलियों में नाचना बहुत अच्छा लगता है। कारीगर मुझे अपने कान पर बिठाकर मेरा मान बढ़ाते हैं। ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ लोग अपने कान के ऊपर लगा लेते हैं, पीछे लगा लेते हैं। और आजकल तो अखबार से भी मेरा निर्माण किया जाने लगा है। ग्रेफाइट की लेड की स्टिक पर अखबार लपेटा जाता है, जो पेंसिल के बराबर मोटाई का होता है। अखबार लपेटते समय कसावट के लिए गोंद का उपयोग करते हैं। इस गोंद को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, पेंसिल के छिलकों को सब्जी और फूलों के पौधे में खाद के रूप में भी डाला जाता है। दोस्तों, मुझे बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, इसका मुझे बहुत दुख है। क्यों ना तुम कुछ ऐसा खोजो कि मैं भी बनी रहूं और पेड़ भी बने रहें। तो बच्चों, जाना आपने पेंसिल के बारे में, पेंसिल की आत्मकथा की पेंसिल कहाँ से शुरू हुई थी, ये सबसे पहले इस कैसे प्रयोग होती थी, और इसका जो इसको जब किया था, इसको बनाने वाले जो थे, सबसे पहले इनका प्रयोग करने वाले
कौन थे? वो थे दो। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, छिलके, प्रारंभ, निर्माण, सुलेख, सवारना, मोटाई, चित्र, निखारना, कसावट, जर्मनी, प्रयास, कुर्बानी, ग्रेफाइट, रंग बिरंगी, पेंसिल, पत्थर, कारीगर और दोस्त। और अब है शब्दार्थ। ग्रेफाइट का अर्थ है काला सीसा, चट्टान यानी पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा, गरड़िया, भेड़ पालने वाले। प्रारंभ का अर्थ है शुरू। सवारना का अर्थ है सजाना, स्वरूप यानी आकृति। निखारना का अर्थ होता है सुंदर बनाना। प्रयास यानी कोशिश। कारीगर लकड़ी, पत्थर आदि से सुंदर वस्तुएं बनाने वाला कारीगर जो होता है। मान यानी सम्मान। निर्माण बनाना और कसावट यानी कसने का भाव। और अब हमसे पूछा गया है कारीगर पेंसिल को कान पर क्यों बिठाता है। कारीगर पेंसिल को उसका मान बढ़ाने के लिए बिठाता है। इसके अलावा जब वो कुछ कार्य कर रहा होता है, हाथ से बनाना होता है और उसके हाथ में पेंसिल होती है, तो इसलिए भी अब पेंसिल को अपने कान के पीछे लगा लेता है। पेंसिल के छिलकों का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? पेंसिल के छिलके जो होते हैं उसको पौधे और फूलों और सब्जियों के पौधे में डाला जाता है, जिससे उसे खाद बन जाती है। अखबार लपेटते समय कसावट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अखबार लपेटते समय कसावट के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। और अब है सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। लकड़ी के अतिरिक्त और किससे पेंसिल बनाई जाती है? लकड़ी के अतिरिक्त और अखबार से पेंसिल बनाई जाती है। भेड़ों पर ग्रेफाइट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बच्चों ने, निकोलस ने, गरड़ियों ने या जोसेफ ने? भेड़ों पर सबसे पहले प्रयोग किया था गरड़ियों ने। खाद के लिए पेंसिल का कौन सा प्रयोग किया जाता है? खाद के लिए पेंसिल के हिस्से का प्रयोग उसके छिलके से किया जाता है। ग्रेफाइट की चट्टाने कहाँ मिली? ग्रेफाइट की चट्टाने सर्वप्रथम जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? ग्रेफाइट की चट्टाने सर्वप्रथम जर्मनी में मिली थी। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। हमारा अगला प्रश्न है, हमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पेंसिल के छिलकों का उपयोग खाद के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, ये सही है। पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, बिल्कुल सही, पेड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। फ्रांस में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली? जी नहीं, चट्टानें मिली थी जर्मनी में, तो ये गलत है। जर्मनी के निकोलस जेटकांटे और नहीं जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के निकोलस नहीं थे, जर्मनी के तो जोसेफ जेटकांटे थे, तो ये गलत है। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पेंसिल बनाने के लिए किसे कुर्बानी देनी पड़ती है? पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का श्रेय फ्रांस के जो थे जोसेफ जेटकांटे और ऑस्ट्रेलिया के हर्ट्समुथ थे। जोसेफ हर्ट्समुथ थे और निकोलस जेटकांटे, उन्हें पेंसिल बनाने का श्रेय दिया जाता है। पेंसिल बनाने का श्रेय दिया जाता है फ्रांस के निकोलस जेटकांटे और ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर हर्ट्समुथ, जोसेफ हर्ट्समुथ को पेंसिल बनाने का श्रेय दिया जाता है। आजकल बाज़ार में कितनी तरह की पेंसिल मिलती हैं? आजकल बाज़ार में हर तरह की रंगीन पेंसिलें मिलती हैं। ग्रेफाइट की चट्टाने पहली बार कब और कहाँ मिली? ग्रेफाइट की चट्टाने पहली बार जर्मनी में मिली थी, जब वो बहुत सारे गरड़िए अपने भेड़ चढ़ा रहे थे। सबसे पहले ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया गया था? सबसे पहले ग्रेफाइट का प्रयोग गरड़ियों ने अपने भेड़ों पर निशान साधने के लिए किया था। और बच्चों, इसके साथ हमारा ये पाठ यही समाप्त हुआ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको पेंसिल के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई होगी कि ये पेंसिलों का सबसे पहले कहाँ मिली, पेंसिलों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और किसको इसके पेंसिलें बनाने का श्रेय जाता है। और इसके अलावा पेंसिलें बनाने किस किस चीज़ से और पेंसिल बनती हैं, पेंसिलों के छिलकों का किया जाता है, आपको बहुत सारी जानकारी नई नई भी मिली होगी। इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।